वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजीव शर्मा ने बेहतर बताया है। पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव शर्मा ने कहा कि इस बार का बजट लो इनकम फैमिली के लिए है और 5 लाख से लेकर 7.5 लाख के स्लैब में 10% टैक्स लगाया गया है, जबकि 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजीव शर्मा ने बेहतर बताया है। पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव शर्मा ने कहा कि इस बार का बजट लो इनकम फैमिली के लिए है और 5 लाख से लेकर 7.5 लाख के स्लैब में 10% टैक्स लगाया गया है, जबकि 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनियों के ऊपर इनकम टैक्स कम कर दिया गया है, जिससे कंपनियों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि नई कंपनियों के लिए 15% इनकम टैक्स देना होगा और पुरानी कंपनियों को पहले से 25% टैक्स देना होता था, लेकिन अब 22.5% ही देना होगा। पेश किया गया है वो बहुत पुअर फ्रेंडली है, जिन लोगों की इनकम लो इनकम ग्रुप में जो लोग आते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से। इसमें पहले 5 लाख तक की जो इनकम है आए है जिनकी, उनके लिए कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक जो टैक्स का स्लैब है वो 10% किया गया, और 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है वो 15% टैक्स स्लैब में डाला गया। 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक जो है वो 20% के स्लैब में लाया गया। 12.5 से लेके 15% तक तो 25% का स्लैब है, और 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% का स्लैब है। ये स्लैब जो है वो उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे जिनके लिए ATC की डिडक्शन जो है वो उनके लिए ख़त्म कर दी गई है। अगर किसी ने ATC की डिडक्शन अवेल करनी है तो उनके लिए पुराने स्लैब को वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसके लिए वो तीन साल तक वो अपने पुराने जो स्लैब्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें भी किसी टैक्स पेयर को बेनिफिट होगा, चाहे वो नया स्लैब ले ले यूज़ कर ले, चाहे कोई पुराना स्लैब यूज़ कर ले, उसको उसी में उसका बेनिफिट जो है वो हो जाएगा। और कंपनीज़ के ऊपर जो पहले इनकम टैक्स लगता था, जैसे कंपनीज़ के कॉरपोरेट टैक्स जो है वो रिड्यूस करके अब 15% पे कर दिया गया है सभी कंपनीज़ के लिए। और जिनका जो न्यू कंपनीज़ पिछले साल से जो अनाउंस हुई हैं, जो नई कंपनीज़ बनी है उनके लिए 15% है, और जो पुरानी कंपनीज़ एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है जिनके लिए 25% का रेट टैक्स लगता था पहले, उनके लिए अब 22.5% रेट ऑफ टैक्स जो वो कर दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो 30% का रेट लगता था पहले टैक्स इनकम टैक्स लगता था, वो अब 22.5% कर दिया गया है। इसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कंपनीज से हटा के इंडिविजुअल के लिए कर दिया गया है। वो अब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लोगों को डिविडेंड आता था वो अब इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ेगा, कंपनीज को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे इकोनॉमी में और कंपनीज के बिजनेस में बहुत बूस्ट आएगा, जिससे कि कंपनीज को इसका टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा। राजीव शर्मा ने कहा कि इस बार के बजट से देश की GDP भी बढ़ेगी और 10% का टारगेट रखा गया है। उन्होंने बताया कि कम इनकम वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है और इससे काफी लोगों को फायदा होगा। GDP ग्रोथ का जो है वो 10% का टारगेट रखा गया है, अब उसके हिसाब से ही रहेगा। और जैसे हाउसिंग लोन्स के लिए जो एडिशनल बेनिफिट था पिछले साल, ₹1,50,000 का इंटरेस्ट का एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया था, वो अभी इस एक साल और के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। वो 31/3/21 तक जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। ये बजट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी लो इनकम जिनकी है उनके लिए बहुत अच्छा बजट है, और हम ये समझते हैं कि ये इससे काफ़ी इंडिविजुअल्स को टैक्स में काफ़ी हर टैक्स पेयर्स को 20,000 से 50,000 के बीच में टैक्स जो है वो बेनिफिट रहेगा। जैसे 5 लाख तक की 15 लाख तक की इनकम के ऊपर पहले जो टैक्स बनता था वो 2,73,000 बनता था, अब नए रूल के हिसाब से 1,95,000 टैक्स बनेगा, तो इससे हर इंडिविजुअल्स को भी फायदा रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।